बांग्लादेश दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने आईएमएफ से लगभग 4.5 बिलियन डॉलर का लोन मांगा है। कुछ समय पहले आईएमएफ ने कहा था कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश बांग्लादेश जीडीपी के मामले में भारत को एक दिन पीछे छोड़ देगा, लेकिन वर्तमान हालात बता रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश किस कदर इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। इसे वहां के हालातों से समझा जा सकता है। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर जरूर करें। तेल के इंपोर्ट को घटाने के लिए बांग्लादेश में डीजल से चलने वाले पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ के सेंट्रल बैंक के खजाने में डॉलर की इतनी भारी कमी हो गई है कि कई तरह के सामानों के इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। 16 करोड़ आबादी वाला बांग्लादेश दुनिया की 41वीं इकोनॉमी है। इस देश के वर्तमान क्या है और क्यों आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है, आइए इसे समझते हैं। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट बताती है कि कैसे देश में इंपोर्ट बढ़ा और एक्सपोर्ट घटा, और इसका सीधा असर यहां के खजाने पर हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2021 से लेकर मई 2022 के बीच 81.5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया गया है। इसकी तुलना पिछले साल से की जाए तो इंपोर्ट में लगभग 39% की बढ़ोतरी हुई है। इसका असर यह हुआ कि बांग्लादेश ने दूसरे देश से सामान मंगाने में ज्यादा पैसा खर्च किया और अपने सामान का एक्सपोर्ट कम किया। इस तरह से उसे घाटा हुआ। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे करेंट डेफिसिट या चालू घाटा कहते हैं। पिछले कुछ समय से यहां ऐसा ही चलता आ रहा है। बांग्लादेश में फॉरेन एक्सचेंज भंडार तेजी से खाली हो रहा है। इसकी कई वजह बताई गई है, जैसे विदेशों में काम करने वाले बांग्लादेशियों की इनकम गिर रही है, इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट घटता चला जा रहा है। फॉरेन एक्सचेंज भंडार पर नजर डाली जाए तो पिछले साल जुलाई तक यह लगभग 45 बिलियन डॉलर था। वहीं 20 जुलाई 2022 को यह घटकर लगभग 39 बिलियन डॉलर रह गया है। एक साल के अंदर फॉरेन एक्सचेंज भंडार लगभग 6 बिलियन डॉलर गिर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में करंट में इतना ही फॉरेन एक्सचेंज भंडार बचा है कि केवल 5 महीने तक ही सामानों को इंपोर्ट किया जा सकता है। अगर दुनिया भर में सामानों की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो बांग्लादेश पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। ऐसे में ये मुद्रा भंडार 5 महीने से पहले भी खाली हो सकती है। हालात बिगड़ने की आशंका इसलिए भी जाहिर की जा रही है क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग का असर दुनिया भर में तेल की कीमतों की वृद्धि के रूप में पहले ही देखा जा रहा है। इसके कारण सबसे बड़ी इकोनॉमी कहे जाने वाले अमेरिका तक में मंदी का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर करें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।